हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज की जॉब की अपडेट, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है 2022 की तरफ से। कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को विदाउट स्किप के जरूर से देखना, जब भी आपके सभी क्वेश्चन एंड डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। चलिए इस रिक्रूटमेंट को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ आपका पोस्ट नेम रहने वाला है वो मल्टी टास्क वर्कर, ये आपका पोस्ट नेम रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 238 पोस्ट पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। जिसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुके हैं, एंड मैं आपको इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन किया हुआ है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके पीडीएफ निकालकर इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आप सेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 10 जून 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। गवर्नमेंट की ये जॉब से सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ओनली प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जॉब लोकेशन आपका हिमाचल प्रदेश रहने वाला है। ऑफिशियल साइट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी की बात करें तो बिलासपुर डिवीज़न नंबर 1 के लिए 50 वैकेंसी है, बिलासपुर डिवीज़न नंबर 2 के लिए 22 वैकेंसी है, गुमराविन के लिए 81 है, एंड झंडुट्टा के लिए 85 वैकेंसी है। टोटल 238 पोस्ट पे ये वैकेंसी अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ तो कौन कौन से स्टूडेंट या मल्टीटास्क वर्कर के लिए एलिजिबल रहने वाले, तो जो भी कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन है वो यहाँ एलिजिबल रहने वाला है। बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, शुड बी ऑफ साउंड एंड माइंड, नो फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट शुड बी इन द एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनियन बोर्ड जॉब, मतलब यहाँ आपका कोई भी जो भी फैमिली मेंबर है वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनियन में जॉब ना करता हो। और यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि आपके अंदर कोई भी क्रिमिनल नेचर नहीं होना चाहिए, एंड मेडिकल फिट टू परफॉर्म द स्ट्रेनियस मैनुअल वर्क, ये इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एंड जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ 8 पास वाले एलिजिबल रहने वाले। जो भी कैंडिडेट 8 पास है वो यहाँ डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकता है। और डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर एंड डायलिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 45 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था कि ओनली प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके जो भी एड्रेस है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। एंड वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई करने की। एंड अगर आपको चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड